न्यू आ चुका है और अब ये न्यू को देंगे हम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है फिर से, क्योंकि आज हमारे जो कॉन्वेंट चॉकलेट के बच्चे हैं वो हैच हो चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। और आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सुबह सुबह और दिखाता हूँ मैं आपको बच्चे कि भाई कहाँ पे है बच्चे। और देखो किस तरीके से ये बच्चे घूम रहे हैं भाई। अरे भाई एक सेकेंड, आपको अभी दिखने वाले हैं बच्चे। ये देखो भाई, आपको अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे कि नहीं बच्चे। ये देखो, ये कोई सुपर हीरो जैसे दिख रहे हैं भाई ये बच्चे। और थोड़ा सा मोल्डेड टैंक है तो थोड़ा सा परेशानी हो सकता है बच्चे दिखने में। ये देखो, आपको थोड़े दूर से दिखाता हूँ और यहाँ से आपको दिखेगा पूरा का पूरा क्लियर। और ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि असली बच्चे यहाँ पे भी है, कुछ ऊपर भी घूम रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरीके से दिख रहे हैं। ये देखो, और ऊपर भी दिखाता हूँ भाई कहाँ कहाँ पे बच्चे घूम रहे हैं। बहुत सारे जगह घूम रहे हैं भाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है भाई कि यह सचमुच हमारे घर पे हमारे एक्वेरियम में देख सकते हैं किस तरीके से घूम रहे हैं भाई। इतने छोटे कि भाई ये फोकस भी नहीं ले रहा है। बस ये देखो, यहाँ पे आपको साफ साफ सब दिख जाएगा। कुछ यहाँ पे है और कुछ हवे में उड़ रहे हैं। ये देखिए ऊपर कितने सारे बच्चे ऊपर घूम रहे हैं। वाओ भाई, इन्हें फीडिंग के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और फीडिंग के लिए मैं क्या देने वाला हूँ, मैं एग ही दूंगा इन्हें। एग योक जो कि होता है उसे हम मसल देंगे और अच्छी तरीके से देंगे। देखो भाई, आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तो मैं एक बार अच्छे से दिखाता हूँ भाई जूम करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। तो देखो भाई, ये है वो मछलियाँ, कितनी ज़्यादा प्यारी प्यारी दिख रही है भाई। सचमुच के ये सुपर हीरोज लग रहे हैं, एकदम छोटे छोटे से। और ये जब बस बड़े हो जाएंगे और ये झुंड में घूमेंगे तो कितना ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, ये तो आप लोग जान ही सकते हो। एक बार मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ जूम करके कि वो कैसे दिख रहे हैं। ये देखो भाई, वाओ कितने ज़्यादा हेल्दी हैं भाई इनके बच्चे। और हमारे पोलर पैरेट के बच्चे तो हो ही नहीं रहे अभी तक, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। और वैसे भी वो कम्युनिटी टैंक में तो उनका बच्चा देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें ऐसे ही सेपरेट करके रखना होगा। लेकिन अब मैं उनका ब्रीडिंग नहीं कराने वाला, क्योंकि भाई ये बच्चे गप्पी के बच्चे, कितने सारे बच्चे हम रखेंगे भाई, हमें एट द एंड इसे देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, तो क्या कर सकते हैं भाई। और ये देखो, आपको मैं ऊपर भी दिखाऊँगा कि ऊपर भी कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं और ये जूम नहीं कर पा रहा है, ये फोकस थोड़ा सा कम है। तो ये देखो भाई, क्या कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार कोशिश करता हूँ दिखाने की कि भाई ऊपर वाले बच्चे आपको दिख जाएं अच्छी तरीके से। ये तो घूम रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिल्टर मैंने बंद कर दिया है। और कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई फ़िल्टर चल रहा है कि नहीं, तो भाई बंद है, सिर्फ और सिर्फ हमारा एयर स्टोन चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको दिखाता हूँ कि ऊपर घूम रहे हैं जो बच्चे वो आपको अच्छी तरीके से दिख सकते। ये देखिए भाई कितने बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं। और अब है इनका टाइम फीडिंग देने का, तो हम इसे फीडिंग कैसे देंगे और क्या देंगे वो तो आपको पता चल ही गया है। और उसे कैसे देना है ये मैं आपको अभी करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये आप लोगों को पता भी हो सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर कुछ और मैं सोच रहा था ब्राइन शिम देने का है, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल है ही नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं उसे। तो उसका एक दूसरा जुगाड़ है जो कि है सबसे अच्छा चीज़, अंडा। तो वही मैं अभी देने वाला हूँ इन्हें, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो इन्हें देते हैं बिना कोई देरी किए। और वो अंडे को हम अपने मॉन्स्टर टैंक में भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इन्हें भी और हमें भी। तो चलो उसे देते हैं बिना कोई देरी किए। तो हम देंगे इन्हें ये वाला फीडिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटीनिशियस फूड है और बहुत ज़्यादा एडिबल फूड है, जो कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये फूड कैसे देना है वो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। और सबसे पहले देख लो कि अभी फिशेस बहुत ज़्यादा ऊपर घूमने लग चुकी है। ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है और सब अच्छी तरीके से चल रहा है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ भाई कि मुझे ऐसा देखने मिला। और इन्हें कैसे फूड दे रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अंडा है, ये अंडा है, हमें इसे कुछ नहीं करना है। इसका जो योक होता है ये येलो पार्ट, ये देखो सिर्फ इतना पार्ट, ये भी मैंने इसे बहुत ज़्यादा निकाल लिया। और कुछ भी नहीं करना है, इसका ढक्कन खोलना है डडा, और आपको सिंपल इसको अंदर डाल देना है। और अगर आप चाहे तो इसे फोड़ भी सकते हैं,
कुछ इस तरीके से, ताकि वो चूरा चूरा हो जाए और वो चूरा अपने मछली लोग खा सके बहुत अच्छी तरीके से। और ये देखो, ये जो दाने दाने छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं आपको यॉक के, वो इनका बनेंगे फूड, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला, और इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी खाने में से। और देखिए, और ये तो घूम बन जाता है आपके कोई भी पानी आपके स्टैग्नेंट वाटर में, यह आराम से बन जाता है, तो इसे भी वो खा सकती है छोटी छोटी मछलियाँ। लेकिन आप ये वाला फीड देंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है। और देख सकते हैं अभी से खाना स्टार्ट भी हो चुका है, आपको दिखाता हूँ भाई, मछलियाँ बहुत छोटी है तो दिख भी नहीं रही है। ये देखो, ये मछली शायद खा रही है भाई, फोकस बहुत दिक्कत है भाई फोकस की यहाँ पे। ये देखो, हमारा फोन फोकस ही नहीं ले पा रहा है भाई, फोन फोकस नहीं ले पा रहा है। आपको मैं कैसे दिखाऊं, ये फीडिंग ले रही है हल्की हल्की। ये देखो, ये छोटी सी मछली है जो कि खाना खाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, और मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ कि ये खा रही है खाना इसे भाई। देखो, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे ही रोज़ खाना देना, और पानी को हर दो दिन में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें फूड डाल रहे हैं, देख सकते हैं इतना सारा फूड डाल चुके हैं, और इस फूड को डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ होना चालू हो जाता है, इसलिए आपको पानी को साफ़ करना है। और अगर आपको बचा फूड दिख रहा है कहीं पे तो उसे भी पूरा क्लीन कर लेना है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, उससे फिश की डेथ भी हो सकती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। आपको चेंज करना ही करना है पानी। और देख सकते हैं, ये तो बॉयल्ड एग को हम देंगे नहीं पूरे को, तो इसका जो एग वाइट होता है उसको हम अपने सारी मछली को दे देते हैं, ये बड़ी बड़ी, और यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी, और इसको हम नींबू खिलाएंगे, वो तो आप देख ही सकते हैं। तो चलो, इस टुकड़े टुकड़े करके इसे देते हैं हम बड़े वाले मछलियों को, ताकि वो भी थोड़ा हंसी खुशी खेलते रहें। और ये तो भाई है ही हमारे पास प्यारे प्यारे बेबीज, हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए बहुत अच्छी तरीके से, और अब देते हैं खाना हमारी बड़ी मछलियों को। ओए भाई, बहुत मज़ा आता है यार मुझे इन्हें देने में खाना, क्योंकि ये बहुत बढ़िया तरीके से खाते हैं, और इसमें हमें मोटर बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आजकल, क्योंकि ये एग है भाई, ये बहुत थोड़ा सा जगह में, अरे इसको नहीं देना है भाई, पानी गंदा हो जाएगा। ये देखो, पानी तो वैसे गंदा हो ही जाता है, लेकिन वो साफ़ भी हो जाता है ऑटोमेटिक। तो अब छोटी वाली मछली को भी थोड़ा दे देते हैं यार, इन्हें भी कुछ कुछ टुकड़े दे देते हैं। ये देखो, इनमें मैंने एक बड़ा सा पीस डाल दिया, और देखो भाई झटके में ही ख़त्म हो जाता है ये तो, यहाँ पे सब वहीं पे धूम मचा देते हैं। वाह भाई, कितनी बढ़िया मछली है भाई ये सब। तो चलो, अभी से भी नियो को दे देते हैं, बेचारा नियो भी हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, तो उसे भी दे देते हैं, और इसको पूरा दे देते हैं भाई, चाओ मज़े करो। चलो आपको नियो से मिलाता हूँ, नियो कहाँ है, और इसे नियो को खिला देते हैं। तो भाई नियो आ चुका है, और अब ये नियो को देंगे हम लोग। अरे नीचे गिरा दिया, कदे खा गया ना। चलो हो गया,